तो क्या हाल है, खुश हो और उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त कैसे रहते होंगे और भाई को भी दुआ में याद रखते होंगे। दोस्तों आज एच डी रिसीवर के बारे में हम दोस्तों से रिव्यू कर रहा हूँ। तो अली 3510C बिग बोर्ड, ये मेरे पास पड़ा हुआ है पुराना वर्जन, ठीक है दोस्तों। ये स्लाइड पे चलता है और जो अभी मेरे पास रिसीवर नया वर्जन मैंने मंगवाया है तो इसमें अली 3510 बिग बोर्ड इसमें भी लगा हुआ है और इसमें एसी डीसी दोनों का फंक्शन दिया हुआ है और इसमें जो प्रोटेक्टर आईसी भी लगाई हुई है, जो वीएच आईसी, जो वीएच के लिए आईसी, वीएच के लिए आईसी लगाई हुई है इसमें। तो इसमें आईसी लगाने का फ़ायदा क्या है और आईसी ना लगाने का फ़ायदा क्या है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं ये रिसीवर आप दोस्तों को बता देता हूँ। अमूमन ये बिग बोर्ड में पहले भी आए थे, एसी डीसी में भी आए थे। तो एसी डीसी में आए थे जैसे इसको डीसी पे चलाते थे बैटरी पे तो एनएलपी की तार आपसे कभी कभार सेटिंग वगैरह करने से तो टच होती थी, जैसे वो टच होती थी तो रिसीवर अपना बंद हो जाता था, बंद हो जाता था। कभी कभार देखते थे तो उसमें वीएच का फाल आ जाता था या इसका डीसी का सर्किट जल जाता था। तो अभी जो यह नया रिसीवर आया है इसमें अपने जो ट्रिप्टर आईसी लगी हुई है इसमें अपन को फ़ायदा क्या दिया हुआ है, जैसे भी अपन की एनएलबी की तार टच होगी तो ये प्रोटेक्टर आईसी इसकी वोल्ट ड्रॉप कर देगी और शॉर्ट सर्किट से ख़राब नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले अपन ये बोर्ड भी खोल लेते हैं और ये बोर्ड भी खोल लेते हैं, फिर आप दोस्तों को चेक कराता हूँ इस बोर्ड में और इस बोर्ड में क्या फ़र्क है, ठीक है दोस्तों। तो दोनों को मैं खोल लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ दोनों बोर्ड को कवर वगैरह, ठीक है दोस्तों। तो देखो मैंने ओपन कर लिया है तो ये आप दोस्तों को दिखा देता हूँ। जो इसमें आईसी लगी हुई है और ये जो पुराना वर्जन था उसमें आईसी नहीं थी, ठीक है। तो उसमें ट्रांसफर लगा हुआ है तो जैसे डीसी का सर्किट लगा के इसमें अपन चालू करते थे तो एनएलपी की तार टच होती थी, या तो ये ट्रांसफर जल जाता है या वो ये सर्किट छोटा वाला लगाते थे वो जल जाता था। तो उसमें अपन को ये रिसीवर में ये प्रोडक्ट आईसी दी हुई है जिसमें, तो आप दोस्तों को मैं चला के भी चेक कराता हूँ। जैसे एनएलपी की तार टच करता हूँ तो रिसीवर बंद नहीं होगा, चेक करा देते हैं दोस्तों को। ये तो दोस्तों, तो अभी आप दोस्तों के सामने मैं छोटी बैटरी से कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये दोस्तों छोटी बैटरी से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ रिसीवर को और रिसीवर अपना हो गया ऑन, ठीक है। रिसीवर अपना हो गया चालू। तो अभी आप दोस्तों को चेक कराता हूँ इसमें वोल्टेज, ठीक है दोस्तों। एनएलपी के वोल्टेज अपन चेक करेंगे। ये तो दोस्तों सबसे पहले अपन इसके देखो वीएच वाले वोल्ट चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखो आ रहे हैं 14.43 आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी अपन देखो एनएलपी की तार में टच कर रहा हूँ चिमटी की मदद से, एनएलपी की तार में टच कर दी, ये देखो ये मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। वोल्ट ज़ीरो हो गए और अपना रिसीवर बिल्कुल वर्क कर रहा है, ठीक है। रिसीवर बिल्कुल चालू है, बंद नहीं हुआ, ठीक है। जैसे मैं इसके वोल्ट छोड़ रहा हूँ तो इसके देखो वोल्ट आ गए। ये असल में मोबाइल पकड़ने वाला एक बंदा है और ये अभी मैं दोबारा देखो इसको चिमटी की मदद से इसको कर रहा हूँ शार्ट, ठीक है। ये चिमटी की मदद से मैंने शार्ट कर दिया तो रिसीवर अपना बिल्कुल वर्क कर रहा है, ठीक है। रिसीवर देखो बिल्कुल वर्क कर रहा है और मीटर पे देखो ज़ीरो हो गया और चिमटी से मैंने टच किया हुआ है, ठीक है। तो अभी आप भी देखो मैं आप दोस्तों के सामने इसको चिमटी हटा रहा हूँ, हटा दी वोल्ट आ गई, जैसे मैंने चिमटी लगा दी वोल्ट बंद हो गए। तो इसमें प्रोटेक्टर आईसी लगी हुई है, इस रिसीवर में जो प्रोटेक्टर आईसी लगी हुई है, ये रिसीवर अपन जो सोलर पे चलाते हैं उसके लिए बिल्कुल सेफ रहेगा, इसमें कोई भी फॉल नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। अगर कोई रिसीवर दोस्त परचेज़ करना चाह रहा है तो मेरा मशवरा है तो ये आईसी वाला परचेज़ कर लें न्यू मॉडल। ये तो दोस्तों अगर कोई दोस्त परचेज़ करना चाह रहा है, यार हम रिसीवर लेना चाह रहे हैं तो रिसीवर अभी हमें पैसा पता कैसे चले या रिसीवर है, ये चलो अली 3510 बोर्ड पे लिखा हुआ है, उसके कवर पे लिखा हुआ है और अभी आईसी का पता कैसे चले, दुकानदार हमें ऐसे दे देते हैं। तो आप दोस्तों को मैं बता देता हूँ दोस्तों, देखो इसमें हल्के हल्के छेद बने होते हैं, जैसे इसको रिसीवर को ऐसे देखोगे ना ऐसे तो यहाँ से वीएच की आईसी दिखने में आएगी, ठीक है। ऐसे करके देखोगे ना तो यहाँ से वीएच की आईसी दिखने में आएगी। अगर ऐसा रिसीवर परचेज़ करना चाह रहे हो भाई, अभी सोलर पे और बैटरी पे चलाना चाह रहे हो तो ये रिसीवर आईसी वाला बेस्ट रहेगा। ये रिसीवर परचेज़ करके आप चलाओ, इसमें कोई फॉल नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों से शेयर करना। अगर कोई दोस्त चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसी वीडियो में इंफॉर्मेशन वीडियो आप दोस्तों को देखने को मिलेगी इस चैनल पे। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना क्या लगना भाई को दुआओं में। आप थैंक्स फॉर वॉचिंग।